सच्चाई ये है, खुद इनके चेहरे से मोदी ने नकाब उतार दिया है। साथियों, अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, एपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को ये करना ही नहीं है, समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कैसे कैसे खेल खेल रही है कांग्रेस। इंडी गठबंधन वाले खुद एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का जो हक मिला है ना, उसमें डाका डालने का प्लान कर रहे हैं।